सुनिए ना, सुन रहा हूँ ना। आपको मेरा कितना ख्याल है। आज इस मौके पे जाके ना मुझे एहसास हुआ कि आप मुझे कितना चाहते हैं। अब ये दुआ मत करना ऐसे मौके बार बार आए। मगर आप इतने परेशान क्यों हैं? ये तो खुशी का मौका है ना। समझ नहीं आ रहा, मैं हंसू के रोऊं कसम। आप ये क्यों नहीं सोचते कि हम ना एक नई जिंदगी को जन्म देने जा रहे हैं। छोटी सी जान जब आपको तोतली आवाज में दादी दादी करके पुकारेगी तो उसके साथ हम फिर से बच्चे नहीं बन जाएंगे? इस उम्र में ये बचपना ठीक लगेगा क्या पागल? आप हमेशा से बेटा चाहते थे ना, हो सकता है इस बार लड़का ही हो। हमारी बरसों की तमन्ना पूरी हो जाएगी, ये सब सोचकर कितना अच्छा लगता है। इस वक्त मैं ये सोच रहा था कि जब वो कॉलेज से निकलेगा तो मेरी उम्र 70 की होगी। दफा निकला फेल होता रहा तो 5 साल और जोड़ लू। मैं तो तब तक सीताराम केसरी जैसा दिख रहा हूँ। हमारा बेटा डफर क्यों होगा? वो तो आपकी तरह होगा ना, बुद्धिमान होशियार और शक्ल सूरत से भी ठीक ठाक ही होगा। और हो सकता है उसके घुंघराले बाल हो जैसे आपके कभी हुआ करते थे। वही करते थे। सच कहिए, आपने कभी सोचा था ऐसे होगा? आज के जमाने में इस उम्र में ये बातें भला कोई सोच सकता है? अब आपको एक और बात बताओ, आप नाराज तो नहीं होंगे ना? जुड़वा नहीं क्या? ये अभी से कौन कह सकता है? मैं ना तो कुछ और ही कहने जा रही हूँ। जैसे डॉक्टर भैया की क्लिनिक से मैं बाहर निकली ना, मुझे ऐसे लगा जैसे जवानी के दिन वापस आ गए। एक अरसे के बाद मैंने ब्यूटी पार्लर में कदम रखा। खुश खबर सुनाने के लिए मैं इतनी बेचैन थी कि मैंने सबको बता दिया। है जैसे एक गोरी सी लड़की थी, बहुत ही फनी बातें करती थी वो, पता उसने क्या कहा? क्या? देखिए अगर आप बुरा मानने वाले तो मैं नहीं बताऊंगी। हाँ, उसने मेरे बारे में कुछ कहा? नहीं, खास आपके बारे में नहीं, यूं ही बस मजाक में। क्या कहा? देखिए कुछ देर के लिए कीजिए कि आप एक ब्यूटी पार्लर में बैठे, आपके आसपास खूबसूरत खिलखिलाती औरतें बैठी हुई जिनमें से एक आपके बाल सवारी। इमेजिन कीजिए ना। राधा, कभी मैं ब्यूटी पार्लर गया हूँ तो इमेजिन कैसे करूँ? मैं भी तो कितने बरसों के बाद गई हूँ, आपने बताया नहीं मैं कैसी लग रही हूँ। मैं तब से देख रहा हूँ तुम अनशन बातें किए जा रही हो। उस लड़की ने मेरे बारे में कुछ कहा? उस लड़की ने ना हल्की सी सीटी मारी, गर्दन टेढ़ी की और कहा, बड़े मियां काफी शौकीन मालूम होते हैं, अभी भी काफी दमखम बाकी है। सारी औरतें हंस पड़ी, लेकिन सच पूछे तो वो आप पर नहीं हंस रही थी। सच पूछे तो कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया उसने आपको, मजाक की बात थी लेकिन मुझे आप पर बहुत गर्व हुआ। सच आपको हंसी नहीं आ रही? हंस रहा हूँ मैं मरी मरी। क्यों हंस रहे, क्यों रो रहे? पता है मैं वापसी में क्या सोच रही थी? हमारा स्पेयर बेडरूम है ना, उसे हम बच्चे की नर्सरी में कन्वर्ट कर देते। उसमें हम झूला डालेंगे, कमरों को ढेर सारे खिलौने से भर देंगे, कमरे की सारी दीवारों को ना गुलाबी रंग देंगे, जो देखेगा बस देख रह जाएगा। कितना अच्छा होगा ना? बहुत ही अच्छा होगा यार, बहुत ज्यादा ही। लेकिन इसमें खर्च काफी होगा? अरे खर्चे की तुम लोग क्यों चिंता करते हो बच्चे, खर्चे के लिए भगवान ने एक मर्द बना है, सारा झक मार के करेगा खर्च। शॉपिंग के लिए थोड़े, कितने? 40-50। ये थोड़े हैं, ये थोड़े हैं। मॉम्स 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 मॉम्स, गौरी ने किचन में चूल्हा जलाया तो उसे तो उसे तो उसे तो उसे तो उसे हल्दी पाउडर नहीं मिल रहा है। मार इसे, खींच के मारे और मार। कहाँ रखा है? अरे वही तो है, वही तो है, लेकिन वहाँ कहाँ? बाबा किचन में, किचन में। अरे लेकिन किचन में कहाँ? वो मसाले के डिब्बे के पास, मसाले के डिब्बे के पास। अरे मसाले के डिब्बे, खाना तैयार हुआ कि नहीं? अभी तक शुरू का हुआ है। देखिए आज के लिए ना मैं ही चली जाती हूँ किचन में। जल्दी आइए प्लीज। बिल्कुल नहीं, तुम्हें डॉक्टर पांडे ने आराम करने के लिए तुम वही करोगे। चलो यहाँ वो तड़का, चलो वो फ्राई, चलो वो हल्का सा, चलो हाथ उसका। न कम बखर लड़का लगना लड़की। अब यहाँ क्या खड़ी है बबली जाना? बबली मॉम, आप कुछ बोलती क्यों नहीं है? मैं बोलती हूँ बबली। आप भी बबलू? बबलू लू बबलू। क्या हुआ? क्या हुआ? भूख के मारे पैर नहीं उठ रहे हैं। मेरी बात मानिए ना, आज के लिए मैं ही चली जाऊं? बिल्कुल नहीं, इन लोगों को काम करने की आदत पड़नी चाहिए। और आज के बाद रुपए पैसे काम काज की चिंता नहीं करना इसके लिए। रियली? व्हाट टू से? अरे आप ऊपर जा रहे? मेरे ख्याल से सीढ़ियां ऊपर ही जाती। मैं चलूं आपके साथ? आओ ना।